Hello students, this is Richa ma'am and I am going to take your English subject today. This video is only for the class 3rd students. Class 3rd, this is your English language chapter, your first chapter. Your first chapter name is the sentence. I will explain you the sentence in my previous video and I will explain you what the chapter is telling us, what is the definition of sentence and what their examples. Now I am gonna take your first exercise. Look at the exercise. Here are some jumbled sentence. Rearrange the words to make meaningful sentences. यहाँ पे आपको कुछ jumbled words दे दिए गए हैं, वो rearrange करके हमें एक proper sentence बनाना है जिसका कोई sense निकले. So here I am taking my first number. Clever is fox a the animal. That is your not a proper sentence. इसकी कोई meaning नहीं निकल रही है, इसका मतलब ये कोई sentence नहीं है. हमें इसी words को use करके एक proper sentence बनाना है. तो हमने क्या बनाया है, the fox is a clever animal. Okay, ये आपको लिखना है अपनी book में. You have to use your pencil, don't use pen. मैंने pen इसलिए use किया है क्योंकि आपको ये साफ दिखाई दे और आपको पेंसिल से बुक में फिल करना है. और ये सारी एक्सरसाइजेज जो आज आपको मैं करवाऊंगी वो आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है सेंटेंस की डिफिनेशन लिखने के बाद, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस, जंबल सेंटेंसेस. टीचर द इन क्लास इज द, सो दिस इज द रॉन्ग. वी हैव गोइंग, we are taking these words and make it proper sentence. The teacher is in the class, so this is the proper sentence. These two sentences are completed. Now turn your page. Play likes to she hockey. Rearrange and make it proper. She likes to play hockey. Now next and last one is house in in a house in a leaf I brick. I live in a brick house. So this is your first exercise and this is a complete today. तो इस exercise को आपको copy में करना है, book में करना है, वो भी ज़रूरी है, वो pencil से करना है. After that you all have to do this work in your copy with a proper writing. Now see the below given groups of words. Do they have essential of a sentence? Sets the west in the sun. Jungle lion of the is king the. You your what is the what is name? Door the open. देखिए ये सब आपको jumbled word दिए गए हैं. ये जो sentences है they don't राइट इन अ प्रॉपर वे. ये सब जंबल वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स तो हैं लेकिन ये रीअरेंज किए गए हैं, ये प्रॉपरली नहीं लिखे गए हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. नो दे डोंट हैव एनी एसेंशियल विच इज़ अ सेंटेंस शुड हैव, सो दे आर कॉल्ड जंबल वर्ड्स. दे आर जंबल वर्ड्स, ये जंबल वर्ड्स हैं और जंबल वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं निकलता है. तो अब हमारी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. वी आर गोइंग टू take our next exercise. Read after me. Read the following sentences carefully. Write S for the sentence and JW for the jumble words. सारे sentences को आपको carefully read करना है. After that आपको जो भी sentence सही लगता है जो कि proper sentence है उसके आगे आपको S लिखना है, और जो भी jumble words है, it means जो भी right नहीं है, correct नहीं है, jumble words है, प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं लग रहे हैं आपको, उसके आगे आपको JW लिखना है. तो चलिए देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं. फर्स्ट इज द प्लम्बर फिक्स द टैप. इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है. दिस इज द प्रॉपर सेंटेंस. द प्लम्बर फिक्स द टैप, दिस इज द सेंटेंस. सो यू हैव टू राइट एस हियर. इल शी इज टुडे, ये रॉन्ग है. तो ये जंबल वर्ड्स हैं. द लीफ इज ग्रीन इन कलर, दिस इज राइट, अ प्रॉपर सेंटेंस, राइट एस.
जेनी डांसिंग इज फॉन्ड ऑफ, ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो जंबल वर्ड्स। लॉन्ग मंकीज टेल्स हैव, जंबल वर्ड्स। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, दिस इज द प्रॉपर सेंटेंस, यू हैव टू राइट एस। लीव द रूम, करेक्ट है एस। कुकिंग इज मदर, जंबल वर्ड्स। सो ये भी आपको आपकी कॉपी में करना है, आपको आपकी बुक में भी करना है, लेकिन बुक में सिर्फ आपको पेंसिल यूज़ करनी है, यू डोंट हैव टू यूज़ पेन। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अ कंप्लीट सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। Subject tells us the name of a person, place or thing that the sentence is about. Subject वो होता है जो कि हमें पूरे sentence में एक person, place, animal और thing के बारे में बताता है। जैसे कि for the example you have to see here, the sky is clear. Sky clear है मतलब आसमान आपका, बादल आपका, sorry आसमान आपका साफ है। तो क्या साफ है, किसके बारे में बात हो रही है आपकी, स्काई के बारे में बात हो रही है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, जिसके बारे में बात होती है, जिस सेंटेंस में, जिस किसी भी सेंटेंस में अगर हम कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में कुछ जान रहे हैं, तो वो किस चीज़ के बारे में जान रहे हैं, वो हमारा सेंटेंस होता है, सॉरी सब्जेक्ट होता है। वेल इज़ अ वाटर एनिमल, कौन है वाटर एनिमल, यहाँ पर वेल है ना वाटर एनिमल, तो किसके बारे में हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं, वेल के बारे में, वेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेल हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। इज अ वाटर एनिमल, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ओनली वेल इज आवर सब्जेक्ट। द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा हमारी होली रिवर है, किसके बारे में हम बात करें, क्या हमारी होली रिवर है, गंगा है। द गंगा क्या है, सब्जेक्ट है। अ रेनबो है सेवन कलर्स, किसके सेवन कलर्स होते हैं, किसके पास सेवन कलर्स होते हैं, रेनबो के, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, रेनबो। नाउ प्रेडिकेट क्या होता है, रीड इट। प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डस, प्रेडिकेट हमें वो बताता है जो सब्जेक्ट के बारे में बातें कही जा रही हैं। जैसे यहाँ तो स्काई, वेल, गंगा एंड रेनबो, ये सब्जेक्ट्स हैं, पर इनके बारे में क्या बातें कही जा रही हैं, इसके बारे में क्या सेंटेंस बनाया गया, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, किसके बारे में बात हो रही है, द डॉग, डॉग स्ट्रेंजर्स पे बार्क करता है, भौंकता है अनजान लोगों पे। तो भौंकता है अनजान लोगों पे, ये इसके बारे में चीज़ें बता जा रही है, लेकिन किसके बारे में बता रही है, वो डॉग है, और जो डॉग है वो हमारा सब्जेक्ट है। द ट्रीज आर ग्रीन, क्या ग्रीन है, ट्रीज, किसके बारे में बात हो रही है, ट्रीज के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, ट्रीज के बारे में। द ट्रीज आर ग्रीन, कौन ग्रीन है, ट्रीज है, तो ट्रीज आर आवर सब्जेक्ट एंड आर ग्रीन इज आवर सब प्रेडिकेट। द गॉड इज ग्रेट, ग्रेट कौन है, गॉड है, बात किसकी हो रही है, गॉड की, गॉड इज आवर सब्जेक्ट एंड इज ग्रेट इज आवर प्रेडिकेट। द मून शाइन्स एट नाइट, कौन नाइट शाइन करता है नाइट में, मून करता है, तो मून हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में ये बातें, ये कहा जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नोट ऑन द पेज, अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स एंड इन सर्कल द प्रेडिकेट्स, आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और इन सर्कल करना है अपने प्रेडिकेट को। दीज आर योर प्रॉपर सेंटेंसेज, ये आपके सेंटेंसेज हैं, आपको इसी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों बताना है। द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, द फॉक्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसे अंडरलाइन करेंगे। इज अ क्लेवर एनिमल हमारा प्रेडिकेट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन सर्कल करेंगे। द अर्थ इज राउंड इन शेप, द अर्थ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज राउंड इन शेप क्या है हमारा, प्रेडिकेट। द गीता इज अ होली बुक, द गीता हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज अ होली बुक हमारा क्या है, प्रेडिकेट है।
द हॉर्स नीज इन द फील्ड. द हॉर्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. नीज इन द फील्ड हमारा क्या है? प्रेडिकेट है. चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. चिल्ड्रन पार्क में खेल रहे हैं. चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, सो वी हैव टू अंडरलाइन चिल्ड्रन. एंड प्ले इन द पार्क इज आवर प्रेडिकेट, तो इसे हम इनसर्कल करेंगे. नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. दीज ऑल एक्सरसाइज यू ऑल हैव टू डू इन योर बुक विथ यूज योर पेंसिल एंड डू ऑल योर वर्क इन योर फेयर कॉपी विथ इन नीड एंड प्रॉपर राइटिंग. और फेयर कॉपी में काम करना है तो आपको बिल्कुल अच्छे से करना होगा. स्कूल खुलते ही आप सबकी कॉपीज चेक होंगी. राइट सब्जेक्ट सॉरी राइट सूटेबल प्रेडिकेट्स फॉर द गिवन सब्जेक्ट्स. हियर आर सम पिक्चर्स एंड हियर आर सब सब्जेक्ट्स. हमें क्या करना है? प्रेडिकेट्स लिखना है. लिखिए. लुक एट हियर. एन ओल्ड मैन वॉज वॉट ही इज डूइंग. ओल्ड मैन क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. तो एन ओल्ड मैन रीडिंग अ न्यूज़पेपर. द गर्ल्स आर डांसिंग. वॉट दे आर डूइंग? दे आर डांसिंग. राइट. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. वॉट दे आर डूइंग? दे आर प्लेइंग. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. माई मदर इज कुकिंग फूड. मदर क्या कर रही हैं? फूड कुक कर रही हैं. सो आवर प्रेडिकेट इज कुकिंग फूड. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है. तो ये हम करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. मैच द सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट टू मेक करेक्ट सेंस. हेयर आर सम सब्जेक्ट्स एंड हेयर आर सम प्रेडिकेट्स. वी हैव सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट. हमारे पास सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट दोनों हैं. हमें क्या करना है? सही सब्जेक्ट को सही प्रेडिकेट में मैच करना है. मैंने लाइंस इसलिए नहीं खींची क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा. दैट्स वाई आई एम गिवन नंबर हियर. मैंने सब्जेक्ट्स को नंबर दे दिए हैं और उसके प्रेडिकेट्स को नंबर दे दिए हैं. सो यू आर हैव टू ईजिली अंडरस्टूड फॉर दिस. ओके. द लेमन. लेमन क्या होता है? द लेमन इज अ सॉर इन टेस्ट. खट्टा होता है टेस्ट में. तो यहाँ फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है लेमन का. ये वाला होगा इज सॉर इन टेस्ट. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. सेकेंड नंबर. जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है. द शीप सेल्स ऑन वाटर. द क्रो इज ब्लैक इन कलर. कौआ काले कलर का होता है. माई फादर इज अ बिजनेस मैन. शी कुक्स डिलीशियस फूड. एंड लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर. सो दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड. आपको भी आपकी कॉपी में ऐसे ही करना है. अगर आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं. बस वो क्लीन होना चाहिए. आपका वर्क प्रॉपर नीट होना चाहिए. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ स्टेज सेंटेंस. देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. काइंड्स कितने होते हैं सेंटेंसेस के? फोर होते हैं. स्टेटमेंट सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. ओके. फोर सेंटेंसेस. स्टेटमेंट सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. फर्स्ट इज सेंटेंसेस. स्टेटमेंट सेंटेंसेस इट स्टेट्स और सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और सेंटेंस. ये आपके सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है. जैसे देयर इज नो शुगर इन द टी. इन द टी. चाय में चीनी नहीं है. आपके सेंटेंस में कुछ कह रहा है? स्टेट कर रहा है कोई चीज़. एक चीज़ स्टेट कर रही है. वो क्या है? कि चाय में चीनी नहीं है. पुअर पीपल लिव इन अ स्लम. गरीब झोपड़ी में रहते हैं. गरीब लोग झोपड़ी में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं. तो एक प्रॉपर चीज़ जो है वो आपको स्टेट कर रही है सेंटेंस में. वी ओबे आवर एल्डर्स. हम ओबे तो सबको करते हैं. करना चाहें तो कर सकते हैं. करना भी चाहिए पर स्पेशली एल्डर्स को करते हैं. तो ये स्टेट कर रहा है किसी चीज़ को.
वी कैन लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, हम हवा के बगैर भी नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पे स्टेट एक ही चीज़ को किया जा रहा है, वो क्या है, वाटर. सो अ स्टेटमेंट सेंटेंसेस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, अ स्टेटमेंट सब्जेक्ट स्टेटमेंट सेंटेंसेस मस्ट हैव वर्ब, अ स्टेटमेंट सेंटेंसेस मस्ट एंड विद द फुल स्टॉप. स्टेटमेंट सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अपने वर्ब होते हैं और वो फुल स्टॉप पे एंड होते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव. हेयर आई एम गोइंग टू टेक योर अनदर नेक्स्ट एक्सरसाइज. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसे हमें नेगेटिव करना है, मतलब नकारात्मक. जैसे सोनिया इज़ प्लेइंग, तो सोनिया खेल रही है. अब हम लिखेंगे सोनिया इज़ नॉट प्लेइंग, इसका मतलब सोनिया नहीं खेल रही है. मोनिका वॉज डांसिंग, मोनिका डांस कर रही है. मोनिका वॉज नॉट डांसिंग, मोनिका डांस नहीं कर रही है. ही डज़ हिज होमवर्क इन टाइम, उसने अपना काम टाइम पे किया. लेकिन अब हम इसे नेगेटिव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क इन टाइम. दे हैव अ बिग हाउस, दे डोंट हैव अ बिग हाउस. तो ये नेगेटिव हो गया. सो आज के लिए इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग योर काइंड्स ऑफ सेंटेंस का फर्स्ट स्टेटमेंट सेंटेंसेस तक मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, और पढ़ा के उसके एक्सरसाइजेस भी आपको बता दिए हैं. ये सारी एक्सरसाइजेस आपको आपकी कॉपी और बुक दोनों में करना है, बुक में पेंसिल से और कॉपी में नीट एंड क्लीन पेंसिल से ही करना है क्लास थर्ड. सो दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. These are six exercises you all have to do in your fair copy with a neat and clean proper writing. Okay, thank you students, take care of yourself. Next topic में इसके आगे का आपका topic continue करेंगे. Okay, तब तक के लिए take care of yourself and your family. Good day students.